की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल है। भीषण आग में 40 की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग वहां पर गंभीर रूप से घायल है। भीषण आग में 40 की मौत की खबर, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कुवैत से। ये तस्वीरें कुवैत में भीषण आग लगने से हादसा हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में 6 मंजिला यह इमारत है, इसमें आग लगी है। आग में 40 भारतीयों की मौत यहां पर हुई है। 6 मंजिला इमारत में आग लगी है, भीषण आग लगने से हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अफरा तफरी वहां पर मची हुई है। आग लगने से हादसा हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आग में 40 भारतीयों की वहां पर मौत हुई और बातचीत पर क्या स्थिति है, किस वजह से आग लगी है और कितनी कैजुअल्टीज अब तक हो चुकी हैं? जी अनुपम भाई, ये एक दुखद खबर है। आशा एक बिल्डिंग में आग लगी है। बिल्डिंग में आग जो लगी है वो नीचे फ्लोर से लगी हुई है। एक्चुअली ये ऐसा टाइम था जहां पे सब लोग सो रहे थे। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम जो होता है, ये ज्यादातर लोग क्या है, मंगफ एरिया, जहाँ पे ज्यादातर जो है वो अजनबी लोग रहते हैं, जो फॉरेनर से आए हुए हैं वो काम करने वाले। का उठना बचना जो है वो मुश्किल नहीं था। बड़ी तेजी से आग फैली है, न्यूज निकल के आ रही है, लगभग 50 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है और लगभग 60 से 70 लोग अभी भी घायल हैं। क्या ये सारे लोग वहां पर जो लोग मौजूद थे वो भारतीय हैं या कुवैत के ही निवासी हैं, इनके बारे में कोई जानकारियां मिल पा रही हैं मोहम्मद अली? जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो रिहायशी बिल्डिंग थी इसमें ज्यादातर लोग 80% जो है ना वो इंडियन लोग रहते थे, बाकी दूसरे कंट्री बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरी। दृश्य आपने देखा, प्रत्यक्षदर्शी हैं आप, कुछ लोगों से वहां पर बात हुई होगी, क्या जानकारियां उन्होंने दी आपको, क्या बताया, क्या हुआ था वहां पर? अनुपम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा ट्रेजिक मोमेंट था। लोग जो है वो एक्चुअली जो नियरेस्ट हॉस्पिटल से उनको कैजुअलिटीज उनको मूवमेंट करा रहे थे, कोई एक हॉस्पिटल में नहीं ले जा रहे थे, 15 पीपल्स को दूसरी जगह पे, 30 को दूसरी जगह पे, इस तरह से उनको जो है ना वो ले लेके भाग रहे थे। काफी अफरा तफरी का माहौल था। आप भी क्योंकि भारतीय हैं और जाहिर तौर पर कुवैत में रहकर काम करते हैं, तो ऐसे में जो और जो भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए कोई मैसेज दिया, कोई जानकारी? राधा सोएका जी, उन्होंने तत्काल नंबर भी जारी किए हैं और अपनी पूरी टीम को लगा दिया है। इसके अलावा हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने भी ट्वीट किया है कि पूरी तरीके से मदद की जाएगी, जो भी कैजुअलिटीज हुई हैं इंडियन नेशनल की या जो भी अभी एडमिट हैं उनको पूरी हेल्प मिलेगी। और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं वो तो पूरी तरीके से हुए अपनी टीम। बिल्डिंग के अंदर लोग फंसे हुए हैं? नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन ऑलमोस्ट पूरा हो गया है कि सब जो है वो पूरी तरीके से जो है वो हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि इतनी बड़े जब बिल्डिंग्स होती हैं तो फायर इक्विपमेंट्स तमाम चीजें वहां पर मौजूद रहती हैं, ऐसे में कुवैत में क्या वजह रही कि इतनी बड़ी इमारत में आग लगती है और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत देरी से, इतनी मौतें हो गई? अनुपम, ये टाइम ही ऐसा था, जो टाइम था सुबह सुबह का वो काफी जो है वो शांति थी उस टाइम पे, सब लोग अपने अपना सो रहे थे। किसी को पता चला तब जब आग पूरी तरीके से भड़क चुकी थी, बिल्डिंग में निकलने का कोई ये चांस नहीं था, कुछ लोग जंप कर रहे थे ऊपर से ही, तो इस तरह से जब अफरा तफरी हुई है तब उसमें ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं। बाकी स्मोक ये पूरी तरीके से टॉप फ्लोर तक जो है वो इंटरनली जो है वो पास हो चुका था। फिलहाल कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए गए हैं और जो भारतीय वहां पर थे उनके परिवार के लोगों तक संपर्क करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, कुछ जानकारियां मिल पाई हैं अली आपको? हेल्प की कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके का ट्रीटमेंट जितना भी मैक्सिमम हो सकता है, उन्होंने इनकी पूरी टीम जो है वो मौजूद है मौके पे। जो लोग आप बता रहे हैं कि भारतीय मूल के लोग वहां पर रहते उस बिल्डिंग, कुछ इस तरह की जानकारियां मिल पाई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, ये ज्यादातर नौकरी करने वाले लोग ही थे, वो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल के जो उनकी सुबह की ड्यूटी होती थी एक्चुअली 8 बजे के आसपास, ये जो हादसा हुआ है वो 4 बजे सुबह से 5 बजे के बीच में हुआ है। कुछ लोगों से आपकी बात हो पाई है, परिवार के लोगों से कुछ बातचीत हो पाई है जो वहां पर मौके पर थे? नहीं अनुपम जी, मेरी बात नहीं हो पाई है। और वहां बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद अली सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट देते, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुवैत में 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है,
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया। मोहम्मद अली एक बार फिर हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास वहां की लाइफ किस तरीके की रहती है, क्या सभी लोग सोए हुए रहते हैं अर्ली का ये? जी अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ का जो ड्यूटी आवर्स है वो नॉर्मली सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है शाम 4 बजे तक। तो संभवतः सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में ये हादसा हुआ, लोग सो रहे थे, अचानक जब आग तेजने के बाद में फिर जो है लोग जो है वो ऊपर से जंप करना स्टार्ट किए, क्योंकि नीचे आग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से लगी थी, तो उसका मेन था कि उनकी हालत भी कई लोगों की गंभीर बताई जा रही है। जी ये डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल में जो है उनको मूव किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली सिद्दीकी आपका मौके से जो तमाम अपडेट समय दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार इतिहास, उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब करहल के साथ 9 विधानसभा सीटों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चुनावी बिसात बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव में टक्कर होने वाली है, क्योंकि 6 महीने के भीतर यूपी में 9 विधानसभा और 1 विधान परिषद सीट पर उपचुनाव होने वाला है। आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है, जाति गणना नहीं की है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है। मुझे उम्मीद है कि अब उन्होंने सरकार जो तोड़ से या सहयोग से बना ली है, अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलेंगे। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर दिल्ली की सियासत में एंट्री की सोच रहे अखिलेश यादव की एक और परीक्षा यूपी में होने वाली है, क्योंकि उन्होंने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनके साथ विधायक से सांसद बने नेता भी एक एक कर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में जिन 9 विधायकों ने लोकसभा का चुनाव जीता है, अब उन सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट जो अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली है, फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां से एसपी विधायक अवधेश प्रसाद सांसदी जीत चुके हैं, अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट के सपा विधायक लालजी वर्मा लोकसभा चुनाव जीते हैं, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से सपा विधायक अब लोकसभा जा रहे हैं, गाजियाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अतुल गर्ग लोकसभा जाएंगे, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि सांसदी जीत चुके हैं, फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक चंदन चौहान सांसदी जीते हैं और मिर्जापुर जिले की मझवा सभा जीत चुके हैं और विधानसभा सीट खाली हो गई है। यानी समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट और बीजेपी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब तक कुल 9 विधानसभा और 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि 5 भारतीय जनता पार्टी के, जबकि 1 एमएलसी की सीट जितिन प्रसाद के तौर पर जो काम कर रहे थे अब वो लोकसभा के सदस्य हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की बात अगर जियाउर रहमान बर्क कुछ दिनों के बाद इस्तीफा देंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 सदस्य जल्द इस्तीफा देंगे। इसे सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि मिनी विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, जिसमें एक तरफ सीएम योगी होंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने आने वाले हैं। देखिए, वैसे तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्लियामेंट जाऊँ, लेकिन मुझसे हो गई थी जब अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि रामपुर का चुनाव लड़ लिए। अब मैं ये गलती अपनी दोहराऊंगा नहीं, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो विधानसभा का अगर टिकट सपा देती है तो आप तैयार हैं कुंदर की सीट? अगर अखिलेश जी कहते हैं और टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी संसद में इंडिया गठबंधन ने जिन वादों के साथ, जिन बातों के साथ चुनाव में गए थे, हम उन सब बातों को उठा देंगे, उन वादों को याद दिलाते रहेंगे। रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, इन सब मुद्दों पे सामने यूपी में समाजवादी पार्टी की 4 विधानसभा सीट बचाने की चुनौती। रिपोर्ट News18। ऐसे में चर्चा इस बात की होने लगी है कि अब शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी मिल सकती है, यानी अब विधान दिलचस्प होगा। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं जब मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल के होंगे, क्योंकि उनको डर लगता था पता नहीं कब हट जाए, कब पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया लें। देखिए, जल्दी शपथ दिला देना ना, जो मेरे ही साथ आ जाए। वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव ने विधायकी छोड़ दी। नेता प्रतिपक्ष के पद शिवपाल है, क्या नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर शिवपाल बैठेंगे? क्या अखिलेश, क्योंकि अखिलेश यादव के इस्तीफे से चर्चा इस बात की शुरू हो चुकी है, जब यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी के सामने शिवपाल होंगे तो नजारा कैसा होगा? कैसे सदन में नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री शिवपाल को लेकर चुटकी ली थी? केंद्र जाएगा ही नहीं, किसान सीधा मंडी में चला जा, आ जाएंगे आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी आपने आपने अगर ये इमला कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता, लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। पता नहीं चाचा कब कुर्सी हथिया ले। यूपी विधानमंडल में बात किसानों के मुद्दे पर हो रही थी, सीएम योगी सरकार का, हालांकि तब शिवपाल यादव सिर्फ विधायक थे, लेकिन अब उनके कंधे पर विपक्ष नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, हमारे विधायकों का, हमारे सांसदों का मनोबल तो बढ़ा है, विधानसभा में ठीक ही होगा। दावा है कि अखिलेश यादव जब दिल्ली की राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे तो यूपी की कमान वो चाचा शिवपाल यादव को सौंप देंगे, जिसमें सबसे सिर्फ कयास और संभावनाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि अगले महीने विधानमंडल का सत्र बुलाया जाएगा। पिछला सत्र 2 से 10 फरवरी तक चला था, इस बार शिवपाल हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, यानी सिर्फ एक महीने का इंतजार और फिर यूपी विधानमंडल में अखिलेश की जगह शिवपाल यादव हो सकते हैं, जिनका मुकाबला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने वाला है, और इस पल का इंतजार यूपी की जनता बेसब्री से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।